हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं नाम सचिन सिंह है। तो आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड और स्टेट बोर्ड के सिलेबस के बारे में कि रिड्यूस होगा या नहीं होगा और एग्ज़ाम डिले होगा या नहीं होगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ने 50% सिलेबस कम किया है। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड ने जुलाई में 30% सिलेबस कम किया था और अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई बोर्ड ने कुछ सिलेबस को कम किया है। तो आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि जुलाई का 30% और अभी का 50% टोटल 70% सिलेबस कम हुआ है। नहीं, ये गलत है। जुलाई का 30% और अभी का 20% टोटल 50% सिलेबस कम हुआ है। और ये जो 50% सिलेबस कम हुआ है ये अभी भी अप्रॉक्स में है, मतलब अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। और आईएससी बोर्ड में भी सिलेबस कम हुआ था, अप्रॉक्स 20-25% सिलेबस कम किया था आईएससी बोर्ड ने। और आईएससी बोर्ड का भी और भी सिलेबस कम हो सकता है। आईएससी बोर्ड ने 12 में प्रोजेक्ट भी कर दिया जो इस साल प्रोजेक्ट नहीं होने वाला था। जो आप लोग का मैथ, हिंदी, इंग्लिश का जो 100 मार्क्स का पेपर होता, अब वो 100 मार्क्स नहीं है, वो 80 मार्क्स का पेपर होगा और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। और अगर हम लोग स्टेट बोर्ड का बात करें तो स्टेट बोर्ड का भी सिलेबस कम हुआ है, लाइक बिहार बोर्ड का भी कम हुआ है, वेस्ट बंगाल बोर्ड का भी कम हुआ है, यूपी का भी कम हुआ है, और भी कम हो सकता है सिलेबस। और आप लोगों का बोर्ड एग्जाम ऑफकोर्स डिले होगा, पोस्टपोन्ड होगा, चाहे वो जो भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे वो सीबीएसई का हो, आईएससी का हो या स्टेट बोर्ड का हो, एग्जाम जरूर डिले होगा आप लोगों का। अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो रहा है, जैसे अभी जल्दी ही यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम भी पोस्टपोन्ड होगा। अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न का बात करें तो हर एक बोर्ड का एग्जाम पैटर्न भी चेंज होगा नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम का। अभी किसी बोर्ड ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ एमसीक्यू आप लोगों को ज्यादा मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। जैसे ही एग्जाम पैटर्न कंफर्म करेगा बोर्ड, में आप लोगों को बता दूंगा वीडियो के जरिए। अगर आप लोग 10th या 12th का बोर्ड दे रहे हो तो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस भी कम हो रहा है, आप लोगों का पैटर्न भी चेंज हो रहा है और आप लोगों का एग्जाम भी डिले हो रहा है, तो आप लोगों को अच्छा स्कोर करने का चांस मिला, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। तो अभी से भी अगर आप स्टडी स्टार्ट करते हो तो अभी से भी आप अच्छा से स्कोर कर सकते हो, अभी से भी आप 100% स्कोर कर सकते हो, एवोव 80%, एवोव 90% भी आप स्कोर कर सकते हो अगर आप अभी से स्टडी कर रहे हो तो। और अगर आप नेक्स्ट ईयर कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हो, लाइक जेई मेन, जेई एडवांस, WBJEE या नीट का एग्जाम आप देना चाहते हो नेक्स्ट ईयर, तो आप सिलेबस पूरा फुल करिएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में कोई सिलेबस का रिडक्शन नहीं है, आप लोग को पूरा फुल सिलेबस करना होगा। तो अगर आप लोग को कंपटीशन एग्जाम में बैठना है नेक्स्ट ईयर, तो अभी से आप लोग पूरा फुल सिलेबस में ध्यान दीजिए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।